गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कक्षा सातवीं विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, हमने विशेषण के पहले भाग में उसकी परिभाषा और दो प्रकारों के बारे में जानकारी ली। तो बच्चों, विशेषण मतलब क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और हमने दो प्रकारों के बारे में जानकारी ली थी, वो कौन से है? गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। और आज हम दूसरे भाग में देखेंगे क्रमवाचक विशेषण। तो बच्चों, चलो देखते हैं क्रमवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा के क्रम का बोध होता है उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है? संज्ञा के क्रम यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? क्रम है। यह क्रम सूचित करने वाले विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम की बहन चौथी कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ पर श्याम की बहन यह संज्ञा है और वो कौन सी कक्षा में पढ़ती है? चौथी। तो यहाँ पर चौथी यह क्रमवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण, दौड़ में सोहन दूसरे क्रमांक पर आया। तो बच्चों, यहाँ पर सोहन यह संज्ञा है और संज्ञा का क्रम क्या है? दूसरे, यानी दूसरे यह क्रमवाचक विशेषण है। अभी हम चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण यानी नापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो घी का दाम 100 रुपये है। इस वाक्य में 1 किलो यह परिमाण है, इसलिए 1 किलो यह शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। अभी परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखो। जिस शब्द से संज्ञा के निश्चित परिमाण यानी नापतोल का निश्चित बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम बाजार से 5 किलो शक्कर लेकर आया। यहाँ पर 5 किलो यह शब्द शक्कर की निश्चित परिमाण यानी मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए 5 किलो यह क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। पूजा ने 2 लीटर दूध लाया। इस वाक्य में 2 लीटर यह शब्द दूध की निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए 2 लीटर यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अभी हम परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा प्रकार देखते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण यानी नापतोल का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, जब हमें निश्चित परिमाण यानी नापतोल का पता नहीं चलता उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चाय में थोड़ी शक्कर और पड़ेगी। इस वाक्य में थोड़ी यह शब्द शक्कर की निश्चित परिमाण नहीं बता रहा है, इसलिए थोड़ी यह जो शब्द है वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। रमेश के घर में कम सदस्य है। अभी इस वाक्य में देखो, इस वाक्य में कम यह शब्द सदस्य का निश्चित परिमाण नहीं बता रहा है, यानी कम सदस्य है पर कितने सदस्य है यह नहीं पता चलता, इसलिए कम यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, अभी हम पांचवा प्रकार देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए
उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का गंदे कपड़े पहनता है, यहाँ पर लड़का यह संज्ञा है। लड़के की विशेषता कौन बता रहा है? यह ये शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर यह ये सार्वनामिक विशेषण है। अभी ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह पेड़ 100 साल पुराना है, तो इस वाक्य में यहाँ पर पेड़ यह संज्ञा है और पेड़ की विशेषता कौन बता रहा है? वह यह शब्द पेड़ की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह ये सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह अभी अपना व्याकरण का विशेषण यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि विशेषण और उसके प्रकारों के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।